इंदौर की हीरानगर में टैंकर भरने के विवाद में बीजेपी नेता कपिल पाठक को कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और अब मामले में पार्षद के खिलाफ मारपीट और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता की शिकायत पर कांग्रेस पार्षद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला जोन नंबर 5 के हाई ड्रेन पानी की टंकी का है। यहां पार्षद राजू भदौरिया के टैंकर लगे थे। कपिल पाठक ने कहा विधायक के टैंकर पहले भरे जाएं। इस बात पर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस पार्षद भदौरिया ने कपिल के साथ मारपीट कर डाली। यदि कपिल पाठक ने थाने पर रिपोर्ट लिखा है कि जोन 5 जो पानी की टंकी है वहाँ पर पानी भर रहे थे, पानी भर टैंकर में, उसी बात पर के भरने नहीं देने के बाद पर विवाद हुआ और उसी में पार्षद राजू भदौरिया जी उनने उसको थप्पड़ मार दिया और एक मुक्का मारा, जिस पर फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट लिखवाई और उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सभी की जाएगी। पार्षद राजू भदौरिया के मुताबिक जोन 5 के हाई ड्रेन पर करीब 4 वार्डों के टैंकर भरते थे। यहां विधायक के टैंकरों को लाइन तोड़ने के बाद कपिल आगे लेकर जाकर लगा देता है। शनिवार को इस बात की शिकायत ड्राइवरों ने की थी। वहां ड्राइवरों से कपिल ही मारपीट कर रहा था। उसे ड्राइवर की कोहनी लगी थी और वो नीचे गिर गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो 8 साल पहले भदौरिया ने ही पाठक की एक्सीडेंट में जान बचाई थी। कपिल पाठक का 31 दिसंबर 2014 को एक्सीडेंट हो गया था। बाइक से जाते समय सुखलिया चौराहे पर उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इस समय राजू भदौरिया खाटू श्याम की भजन संध्या के बाद जन्मदिन के मौके पर खजराना मंदिर जा रहे थे। भदौरिया को कपिल पाठक घायल अवस्था में दिखाई दिए। भदौरिया ने तत्काल गंभीर हालत में कपिल को भंडारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। रहवासियों ने बताया कि कपिल ने ठीक होने के बाद भदौरिया के पैर पकड़कर धन्यवाद किया था, लेकिन अब बीजेपी नेता ने कांग्रेस पार्षद के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।